राम जब जनकपुरी में पहुंचे, कहते श्री राम का रूप देख करके कहते इन्हें ही बिल्लो कत अति हरसिता बरबस ब्रह्म लोकित मन त्याजा। भगवान राम को देख करके ये समझ गए ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, ये परम ब्रह्म है। राम लक्ष्मण अपना गुरुजी श्री वशिष्ठ विश्वामित्र जी से बोले, बोले गुरुजी थोड़ी सी ये जनकपुरी हम दर्शन करके आए, बोले दर्शन करके नहीं ये जनकपुरी को दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किया, क्या सुंदर जनकपुरी, अद्भुत रूप, क्योंकि माता सीता की राज्य साक्षात लक्ष्मी की ये राज्य श्री जनकपुरी है। जब जनकपुरी में प्रवेश किए राम और लक्ष्मण, इतने सुंदर दो बालक थे, एक गौर रंग के एक श्याम रंग के, एक पीताम्बर एक नीलाम्बर पहने हुए। जब उन्हें जनकपुरी में प्रवेश किए और जिस गली में प्रवेश किए, जो एक बार प्रभु को दर्शन करते हैं वो सबके सब दीवाना हो जाते हैं। बोले श्री राम लक्ष्मण की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी सबके सब उम्र पड़े प्रभु को दर्शन करने के लिए, कोई झरोखे से दर्शन कर रहे थे, कोई छत के ऊपर से दर्शन कर रहे थे। जो झरोखे से दर्शन कर रहे थे उनको तो हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर से दर्शन कर रहे थे उनका दर्शन नहीं हो रहा था। लेकिन राम कौन है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी भी पराया स्त्री का मुंह का कभी उन्होंने देखा ही नहीं। वो सर नीचे करके जा रहे थे, लेकिन पीछे कौन जा रहे थे, लक्ष्मण लाल जा रहे थे। लक्ष्मण लाल कौन है, बोले गुरु। बोले गुरु का काम क्या है, बोले गुरु का काम है ये जीवों को भगवान तक पहुंचाना, ये गुरु का काम है। और गुरुदेव बड़े दयालु, इसलिए इनका नाम गुरु। गुरु मतलब क्या, बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक। जो हमारी हृदय की अज्ञान को दूर करके जो दिव्य आलोक संचार कर दे, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण जी गुरु है। इतने में राम जी को प्रार्थना किया, बोले प्रभु देखो आपका जो सखियां है ना, सबके सब छत के ऊपर दर्शन करने के लिए लालाए थे, आप तो सर नीचा करके जा रहे हो, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा ऊंचा करके देखो। बोले लक्ष्मण ये मायापुरी सीतापुरी सब खबरदार, इधर उधर देखना नहीं, सीधा नीचे सर करके देखो। लेकिन फिर दूर गए तो जो छत के ऊपर खड़ी थी ना, वो उनका दर्शन नहीं हो रहा था, उन्होंने थोड़ा खांसे, क्यों खांसे तो अगर कोई देखता ना कौन खांस रहे। इतने में लेकिन रामचंद्र ऊपर ही देखे ही नहीं। फिर लक्ष्मण प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर में थोड़ा दर्शन करो, आप गोपियों को सखियों को दर्शन कराओ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णवे आवेदने कृष्ण दया माया ए न पमर प्रति अविना सदाया। जब हमारा हो करके वैष्णव लोग गुरु जी को, हमारा तो सक्षम है नहीं ठाकुर का दर्शन करने का, लेकिन जब संत लोग गुरु जी जब ठाकुर जी को प्रार्थना करे, ठाकुर जी बड़े कृपा करते हैं, नहीं तो वैसे दर्शन नहीं देते ठाकुर जी। लक्ष्मण प्रार्थना कर रहे हैं, अब इनका बात तो सुनना ही पड़ेगा। इतने में भगवान राम थोड़ी सी ऊपर को देखे, देखते ही जितने सब सखियां थी ना जनकपुरी के दर्शन करते ही सबके सब बेहोश हो गई। जब उनको होश आया ना, सबके सब राम के पीछे पड़ गए, हमसे शादी कर दो शादी कर दो। लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण तेरे को पहले से मना कर रहा था ना देखना नहीं, अब तू शादी कर सबको। इतने में भगवान राम ने कहा, कोई चिंता मत करो, इसी अवतार में तो मैं इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ, जब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा तभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कहते यही पर जो कन्या जो जन्म हुई है वो कौन थी, वो जनकपुरी के जितने सब सहेलियां थी ना सीता जी की, ये सब के सब राजा की बेटी बनकर ये सब के सब जन्म हुई। जन्म होने पर राजा जब उनकी पति के लिए ढूंढ रहे थे, इतने में श्री पितामह भीष्म के साथ में भेंट हुई। भीष्म जी ने कहा, देखो जो परम ब्रह्म परात पर तत्व जो भगवान कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अभी ब्रज में नंद के लाला बनकर के जन्म हुए है, इसलिए आप उनको साथ में शादी कराओ। तो उन्होंने जितने सारे बेटियां थी उन्होंने श्री कृष्ण को साथ में उन्होंने शादी करा दी। इसलिए कहते उनका बड़ी बेटी का नाम था बिमल, पर राजा का नाम था बिमल राजा, इसलिए उनका नाम से ये बिमल कुंड। ये एक कथा। दूसरी कथा है, कहते जो ब्रज है, हैं ब्रज क्या है, कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां केशव के कली कुंड कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दासा दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया
जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है, काम्य वनवासी है। इसलिए ये जो धाम है ये साधारण धाम नहीं है, ये साधारण धाम नहीं। अभी हर ये जो चातुर्मास महीना में जितने सारे तीर्थ कहाँ आते थे, सबके सब यहीं पर आते थे, ब्रज धाम में आते थे, क्योंकि ब्रज धाम कोई साधारण धाम नहीं है। एक समय सारे मीटिंग हुई सारे तीर्थ में, तीर्थराज कौन बनेगा, इसलिए तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज बना दिया। लेकिन नियम है राजा जो प्रयाग राजा बनेगा उसको टैक्स कर देना पड़ेगा, दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सब तो जाते हैं, लेकिन वृंदावन के कोई जाते ही नहीं। बोले यहाँ के नदी की बात छोड़ दो, यहाँ के तालाब का बात छोड़ दो, यहाँ के कुएं तक भी कोई जाते नहीं प्रयाग को दर्शन करने के लिए। अभी प्रयाग दुखी होकर कृष्ण के पास में आई, बोले प्रभु मेरे को तीर्थ राज तो आपने बना दिया, लेकिन सब तो आते हैं लेकिन ब्रज के कोई एक कुआ तक भी नहीं आता। कृष्ण ने कहा बेटा मैंने तो तेरे को राजा बनाया लेकिन अपना घर का राजा तेरे को नहीं बनाया। इसलिए जो वृंदावन धाम कहते जो वृंदावन धाम है ये क्या है, कृष्ण का ये अपना घर है। यहाँ पर तो चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, यहाँ पर तो एक एक धूल में इतने शक्ति है, कितने करोड़ों करोड़ों प्रयाग। इसलिए कहते ना किरत सुधा के पग पग में प्रयाग जहाँ है। इतने में अभी तीर्थराज पुष्कर नहीं आया, यहाँ पर सारे तीर्थ आए ब्रज में कृष्ण का कृपा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुष्कर नहीं आया। जब पुष्कर नहीं आया भगवान ने सोचो पुष्कर तेरे को लगता है अभिमान हो गया ना, ब्रज में नहीं आ रहे तू, तेरे को पता नहीं है ब्रज धाम क्या है। इसलिए उन्हें तीर्थराज उन्हें पुष्कर को स्मरण करते ही यहीं पर विशाल धारा से एकदम पाताल से यहाँ पर स्वयं यहाँ पर एक धारा निकली, अद्भुत रूप में यहाँ पर एक धारा निकली, पूरा यहाँ पर कुंड कुंड में पानी पानी में यहाँ पर भर गया। जब भर गया इतने में वो जो नदी निकली उसका नाम श्री उसको जो था विमल, उसके नाम विमला। इसलिए कृष्ण इसी कुंड में विमल मतलब होता है पवित्र है, कृष्ण इसी कुंड में वो जो सखी प्रकट हुई नदी रूप में उनके साथ में विमल विमल लीला की, विमल मतलब पवित्र शुद्ध लीला की इसी कुंड में, इसलिए ये कुंड का नाम पड़ गया विमल कुंड नाम पड़ गया। इसलिए यहाँ पर बताते हैं तीर्थराज प्रयाग व पुष्कर में जो स्नान करने से जो फल मिलेगा कहते उससे 7 गुण ज्यादा फल मिलेगा। कहते अगर इसी कुंड में कोई अगर आचमन कोई स्नान करता है उससे 7 गुण ज्यादा फल मिलेगा। 7 गुण क्या, यहाँ तो साक्षात ब्रज भूमि है, यहाँ पर तो सारे धाम में केशव के खेली कुंजो कोटि कोटि काशी है और गोपिनी के द्वार पे बसे थे हरिद्वार। इसलिए यहाँ पर कहते अगर कोई ब्रज मंडल परिक्रमा कर लिया ना विश्व ब्रह्मांड में सारे परिक्रमा उसको हो जाती है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कहीं जाने का जरूरत नहीं। जब गुरुजी को साथ में आते थे हम लोग, पहले कम लोग होते थे यहीं पर हम रुका करते थे, 3 दिन रुकते थे और गुरुजी को साथ में सारे दर्शन करने जाते थे। ये और पास में ना बता रहा था ना थोड़ी दूर जाने पर 15-20 मिनट लगे, हमारा टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी भी सेतु बंद है। हम बता रहे थे ना स्वयं भगवान कृष्ण उन्होंने बंदर को बुलाया तो उन्होंने पूरा सेतु बना दिया, जैसे भगवान राम ने जैसे उन्होंने रामेश्वर को पूजा की, वहां पर रामेश्वर महादेव है और वहां पर लंका है। कुछ दिन पहले मैं आया गया था, पास में लंका है, वहां पर सुंदर अशोक वाटिका, वहां जाओगे ना सचमुच से इतने सुंदर स्थान है, माता सीता कैसे बैठी हुई, राम लक्ष्मण जाने का विग्रह अद्भुत रूप है। ये पास में जाने पर सब तीर्थ अगर किसी ने अगर ब्रजमंडल परिक्रमा कर ली, क्या ब्रजमंडल परिक्रमा करने पर आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, सारे तीर्थ यहीं पर, सारे तीर्थ कृष्ण की चरण में राधा रानी की चरण में सारे तीर्थ है। इसलिए वृंदावन में आओ तो सबके सब किसका नाम लेते हैं, राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे, और जोर से बोला राधे राधे, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, क्यों राधा जी की चरण में सारा तीर्थ तक तो बात छोड़ दो। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव। इसलिए राधा जी की चरण में ब्रह्मा शंकर नारद सबके सब उनकी चरण में लोट पोट खाते हैं, यहाँ तक कि भी हमारे कन्हैया भी श्याम सुंदर बांके बिहारी भी जिनकी चरण में लोट पोट खाते हैं। इसलिए यहाँ पर आगे मतलब सारे तीर्थ में जाना हो गया और कहीं जाने का जरूरत नहीं। बोले श्री विमल कुंड की, बोले विमल महाराज की, विमल बिहारी की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अभी हम लोग जाएंगे आदि बद्री जाएंगे।